मंजिल आपकी राह हमारी। मैं स्टडी डिवीजन आजमगढ़ से आर के सर पुनः एक बार संस्कृत की क्लास लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। इससे पूर्व में पिछली क्लास में आपने उच्चारण स्थान देखा था, उच्चारण स्थान कितने हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान, किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, उस पर हमने चर्चा किया था। अगर हम रिवीजन करें उच्चारण स्थान का, तो सूत्रों के माध्यम से हमने आप लोगों को उच्चारण स्थानों को सूत्रों के माध्यम से हमने बताया था। एक बार उन पर रिवीजन करके तब हम वहां पर चर्चा करते हैं कल की क्लास को। उच्चारण स्थान में कई सूत्र थे, अपुविसर्जनीया नाम कंठः, इच्छुयसा नाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंतः, उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ, एदयतोः कंठतालु ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दन्तोष्ठम, यमंगणना नाम नासिका च, जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। इस प्रकार जो है उनकी व्याख्या भी पिछले क्लास में विस्तार पूर्वक की गई थी। अपुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंत, उप पद्मा निया नाम ओष्ठ। ये इनके अतिरिक्त ये याद करना पड़ेगा। यदि आप इनको याद कर लेते हैं तो उच्चारण स्थान इसलिए महत्वपूर्ण मैंने बताया था क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। अपुविसर्जनीय के नाम कंठ का व्याख्या अ आ कु से कख क गंग ह विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ बताया गया था। ह्रस्वई दीर्घ ई चु का मतलब छ छ ज झ ञ य और तालव्य श का उच्चारण स्थान ताल बताया गया था। री टु से ट ठ ड ढ ड र और मूर्धा स का उच्चारण स्थान मूर्धा था। ली तु से त थ द ध न ल, ऋतु लशा नाम ऋतु पूरा डिलीट हो गया, क्लीन मार दिया पूरा है। अंडो किससे? अंडो यू एन डी ओ टी दैट इज तीर वाला। अच्छा ये हां तो कट जाएगा ना, तो हम लोगों के बीच में ऋतु लशा नाम दंता। ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु का मतलब तथा दधना, ल और दंती स दंत से, ह्रस्व दीर्घ उ से पफम, उपधमानीया नाम उपधमानी। उपधमानी कौन कौन बताया गया था? अर्ध विसर्ग के बाद प और अर्ध विसर्ग के बाद फ, यही उपधमानी। इन पर भी चर्चा करनी है। उसके बाद बताया गया था वकारस्य वकारस्य दंतौष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंतौष्ठ है। सातवां ए दयतो कंठताल, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठतालु, ओ दवतो कंठोष्ठम कंठोष्ठ है, ओ और औ का, इयम अंगणना नाम नासिका च, इयम अंग और न का उच्चारण स्थान नासिका, जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, जिह्वामूली का उच्चारण स्थान जिह्वामूल है और जिह्वामूल
मूली वास्तव में है कौन? अर्ध विसर्ग के बाद क और ख, ये दोनों जो है आपके जिह्वा मूली वर्ण होते हैं, और इसके अतिरिक्त नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान नासिका है, इतना उच्चारण स्थानों में बताया गया था। इनमें आपको यहां क ख अर्ध विसर्ग के बाद और उपधमानी प और फ, ये दो वर्ण ऐसे मिल रहे होंगे जिन पर चर्चा जरूरी है। हमने मेन हेडलाइन अयोगवाह बना दिया, अब हम लोग चर्चा थोड़ा करते हैं नासिका से उच्चरित होने वाले वर्णों की। परीक्षा में आपसे पूछ दे कि नासिका से कुल कितने वर्ण उच्चरित होते हैं, नासिका से उच्चरित होने वाले वर्णों की संख्या, और विकल्प दे दे 5, 6, 7, 8, तो किस पर जवाब देंगे? आपके संज्ञान में यही होगा कि इय म अंग ड न और म, इय म अंग ड और न, यही नासिका से उच्चरित होते हैं 5। लेकिन ठीक इसके नीचे आपने लिखा है नासिका अनुस्वारस्य, यानी एक और बढ़ जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका सही होगा ये, नासिका से उच्चरित होने वाले वर्णों की संख्या 6 है। अब इसके बाद हम लोग संस्कृत के अयोगवाहों की चर्चा करेंगे, और अयोगवाहों की चर्चा करने के बाद हम लोग आगे प्रत्याहार पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अयोगवाह क्या है संस्कृत में, साथ साथ हिंदी की भी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए जहां तक का प्रश्न अयोगवाह का है संस्कृत में, तो संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या अगर आपसे पूछे, अगर अयोगवाहों की संख्या आपसे पूछता है संस्कृत में, तो आपको बताना होगा 4। संस्कृत में अयोगवाह कितने होते हैं? 4। पहला अंग, दूसरा अह, तीसरा उपधमानी, और नंबर 4 है जिह्वा मूली। अयोगवाह कहते किसे हैं? सबसे पहले इसको जान लीजिए, वे वर्ण जो न तो स्वरों में गिने गए हैं न व्यंजन में, जिनको स्थान हमारी वर्णमाला में नहीं दिया गया। जो संस्कृत की वर्णमाला है उसमें न अंग को स्थान दिया गया है, न अह को स्थान दिया गया है, उपधमानी और जिह्वा मूली को भी नहीं स्थान दिया गया। तो यदि परीक्षा उन्हीं को अयोगवाह कहते हैं, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? 4। कौन कौन? अंग, अह, उपधमानी, जिह्वा मूली। थोड़ा इनकी और विस्तार हम चर्चा हम लोग करते हैं। यह जो अंग है यही अनुस्वार है, ये जो अह है यही विसर्ग है। उपधमानी की बात करें तो अर्ध विसर्ग के बाद प और अर्ध विसर्ग के बाद फ, ये दोनों उपधमानी हैं। और जिह्वा मूल की बात करें तो क से पहले अर्ध विसर्ग और ख से पहले अर्ध विसर्ग, यही है आपके अयोगवाह जिन्हें वर्णमाला में नहीं गिना गया, और जिनको वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है न स्वर में न व्यंजन में, वही अयोगवाह है। अब जरा हम इन पर थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करते हैं, अनुस्वार और विसर्ग पर। अनुस्वार और विसर्ग को ये जान लीजिए कि हमेशा इनका प्रयोग स्वर के बाद होता, स्वर के बाद होता। इन दोनों का कैसे? जैसे मान लीजिए हमने लिखा रामम, यहां तो दिखने में लग रहा है कि म व्यंजन है, उसके बाद अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, लेकिन जैसे ही आप इनको अलग अलग करेंगे तो र इसमें आ है, म में अ है, उसके बाद अनुस्वार है जो अ के ऊपर प्रयोग में किया जाता, यानी स्वर के बाद राम। विसर्ग यदि आप लिखते हैं र
इसमें आ म फिर उसमें अ उसके बाद विसर्ग, यानी स्वर के बाद अ स्वर है इसके बाद विसर्ग, अस्वर है इसके बाद अनुस्वार है, ये हमेशा स्वरों के बाद इनका प्रयोग होता है। उपधमानियों में यदि आपसे पूछ ले कि उपधमानी अथवा जीवामूली जो अयोगवाह हैं इनकी संख्या कितनी होती है तो भूल से भी दो नहीं लगाइएगा, मतलब यहाँ आपको प दिख रहा है यहाँ फ दिख रहा तो कहेंगे दो जीवामूली, यहाँ क दिख रहा है यहाँ ख दिख रहा तो कहेंगे जीवामूली वर्णों की संख्या दो है, लेकिन वास्तव में ये प और फ क और ख तो हमारी वर्णमाला में गिने गए, ये तो स्पर्शी व्यंजन है, यानी जो जीवामूली है और जो उपधमानी है ये प फ से पहले अर्ध विसर्ग जो है ना इसको हम उपधमानी कहेंगे और इसको हम जीवामूली, वास्तव में यही दो यही जीवामूली है, जीवामूली वर्ण ये चिन्ह इनका यही है, इसी को हम उपधमानी कहते हैं, जो कितने हैं एक हैं, भले दोनों के पहले लगा है दो बार प्रयोग हुआ लेकिन संकेत में तो एक ही तरह का है, इसलिए कभी भी आपसे पूछे उपधमानीय उपधमानीय वर्णों की संख्या तो भूल से भी आपको दो जवाब नहीं देना है, कितना जवाब देंगे एक, आपसे पूछ दे जीवामूलीय वर्णों की संख्या तो भूल से भी दो नहीं देना है, आपको जवाब देना है एक, ठीक है। तो यहां अयोगवाहों की चर्चा में क्या स्पष्ट हुआ, अयोगवाहों में आपने देखा कि संस्कृत में कुल अयोगवाहों की संख्या चार है, अयोगवाह कहते किसे हैं जिन्हें स्वर व्यंजन में स्थान नहीं दिया गया हमारी वर्णमाला में, जो संस्कृत की वर्णमाला है उनको न स्वर में स्थान दिया गया है न व्यंजन में स्थान दिया गया है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं, संख्या चार है अंग अह उपधमानी जीवामूली और इसमें अनुस्वार विसर्ग, अंग को अनुस्वार इसको विसर्ग बोलते हैं और उपधमानी पफ से पहले अर्ध विसर्ग, जीवामूली से पहले जो कख है इससे पहले अर्ध विसर्ग है और यह चिन्ह ही जीवामूली है, यह चिन्ह ही उपधमानी है जो संख्या में एक है, भले पफ से पहले लगा है दोनों लेकिन संकेत में एक ही उसको माना जाएगा दो नहीं, इसलिए एक वाले विकल्प को आपको सही करना होगा। इस प्रकार आज अयोगवाह और रिवीजन क्लास में उच्चारण स्थानों पर चर्चा हमने किया, क्लास अच्छा है ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, बेटर है, बेस्ट है, हाँ तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करें हमारे चैनल को। अब अगली क्लास में आपसे मिलेंगे हम प्रत्याहारों के साथ, तक के लिए।